हेलो दोस्तों, मेरे चैनल बहुत दिन हो गया, हफ्ता भर से कोई वीडियो नहीं आई है। तो आज योगा दिवस भी है, तो सबको इसकी बधाई हो। और बधाई देने से कुछ नहीं होता, इसमें आप किसी को विश नहीं करते हो, आपको योगा परफॉर्म करके इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे करना तो रोज़ चाहिए, लेकिन आज एक दिन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज एक डे है, इंटरनेशनल योगा डे है, तो आपको कर लेना चाहिए। यही एक तरीका बस सेलिब्रेट करने का। अभी आप लोग पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट में सब ने अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी भाषा में अपनी स्पीचेस दी, ओथ लिए, और सबके अपने अपने एक नारे थे ख़त्म करते वक्त इंडिविजुअली। चलो ये तो ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अच्छे से एक्सरसाइज किया जा रहा है, गुड। लेकिन जब आप किसी चीज़ को रिलीजन पे ले लेते हैं, आप नेशन को डाउन कर देते हैं, रिलीजन को ऊपर कर देते हैं। जब एक मतलब, अब यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, लेकिन एक धर्म आपको कहता है कि देश धर्म से ऊपर है, एक धर्म आपको कहता है कि हमारे लिए धर्म ऊपर है, देश नीचे है, बाद में आता है। हमारा नेशन ही हमें यूनाइट करता है, और आप जब धर्म को ऊपर रखते हैं तो फिर आप डिवाइड करते हैं, और धर्म सिर्फ डिवाइड करने का ही काम करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अखिलेश यादव के एमपी ने जब ऐसा कहा कि इस्लाम में ये बोलना हराम है, हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। और फिर जब अखिलेश यादव से पूछा जाता है ऐसा क्यों, तो वो बेतुका सा जवाब देके इसको टाल देते हैं। आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे देख के। वंदे मातरम बोलने से परहेज क्यों है आपके सांसद? देश कहाँ जा रहा है, जिंदा जला दिया गया। आप बताइए, एक पासी उसको चारपाई पे बांध के जला दिया। इस सवाल का जवाब आप दे रहे हैं, मैं दूसरा सवाल पूछ मैं कह रहा हूँ, धरती माँ मेरी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। वंदे मातरम कहने में परहेज, कह रहे हैं धरती माँ से बड़ा कौन है? अगर धरती माँ से बड़ा कुछ हो तो बताओ। आजम खान साहब, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप अरे धरती माँ से बड़ा। लेकिन फिर जब इस्लाम में अल्लाह के ऊपर कोई नहीं होता, तो असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम क्यों बोला? जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहु अकबर, जय हिंद, ये नारा क्यों दिया? क्या आप वहाँ पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे? क्या आपके लिए अब जय भीम और जय मीम बोलना अल्लाह के ऊपर हो गया, वो एक्सेप्टेबल है? और अगर वो नहीं है, तो आप क्या अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं? और कभी भी आपको लगता है कि हमें कुछ एजेंडा को प्रमोट करना है, तो आप यहाँ पे बोल देंगे कि ये हराम है, वो हराम है? तो आप ऐसी मेंटालिटी लेके क्यों चल रहे हैं, बस मेरा सवाल यही है। खैर, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, बस ये सवाल ही पूछना था। लेकिन एंड करते करते बस ये बोल दूँ कि कुछ लोगों के वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब ना बोलने से हमारे देश की महानता ख़त्म नहीं हो जाती, कम नहीं हो जाती। जिसको बोलना है बोले, जिसको नहीं बोलना है ना बोले। बोलने वाले बहुत लोग हैं, ना बोलने वाले कुछ गिनती के हैं। तो उनके ना बोलने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, और बोलने से कुछ बढ़ नहीं जाएगा। बोलने से बस आप एकता को, यूनिटी को दर्शाते हैं, और ना बोलने से आप डिवाइड करते हैं कि हमारे लिए देश अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। बस मेरा यही कंक्लूजन है। फिर मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।